हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर टी आर चौधरी। आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम। उसके अंतर्गत आपने जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जो थे वो आपने देखे थे, अर्थात अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के दौरान कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या उपकरण या यूं कहें साधन काम में आते हैं, जिसमें आप किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए में एक वांछित जीन वाली डीएनए को समावेशित कर पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कर सकें। अब वो सारा पढ़ने के बाद आज के वीडियो में आप विस्तार से देखने वाले हैं मेरे साथ पुनर्योजित डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए या काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं, और ये काइमेरिक डीएनए बनाने के लिए आपको किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। अर्थात सबसे पहले अपन बात करेंगे पुनर्योजित डीएनए किसे कहते हैं, ये क्या होता है, किसने खोजा था, सबसे पहले किसने बनाया था, ये सारी बातें अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। किंतु आज पुनर्योजित डीएनए अर्थात रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने की टेक्निक आप देख रहे हैं, तकनीकी देख रहे हैं, अर्थात इसके विभिन्न पद देख रहे हैं, विभिन्न चरण देख रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए या काइमेरिक डीएनए की परिभाषा बता रहा हूं। तो आप सुनिएगा कि जब किसी सजीव कोशिका के डीएनए में, जब किसी द्विगुणित जीन में या किसी वांछित डीएनए खंड वाली कोशिका में, उस कोशिका से उस डीएनए को पृथक कर उसमें किसी वांछित जीन खंड वाली डीएनए को जोड़ दिया जाए, अर्थात किसी सजीव के अनुवांशिक पदार्थ में यानी डीएनए में काट छांट कर उसमें वांछित जीन खंड वाले डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए निर्मित किया जाए, तो इस क्रिया से उत्पन्न होने वाला डीएनए पुनर्योजित डीएनए या काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाता है। अब अपन आज के इस वीडियो में विस्तार से देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेट डीएनए निर्माण के विभिन्न चरण क्या है, कौन से विभिन्न स्टेप है जिसके द्वारा आप पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है वांछित जीन युक्त डीएनए खंड का विलगन। आपको किसी वाहक प्लाज्मिड या वाहक जीन या वाहक डीएनए खंड या यूं कहें वेक्टर के साथ, क्लोनिंग वाहक के साथ किसी वांछित जीन वाले डीएनए खंड को जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको वांछित जीन युक्त डीएनए जिस सजीव कोशिका में उपस्थित है उसे आपको विलगित करना पड़ेगा, उसका आपको वांछित डीएनए जीन खंड का पृथक्करण करना पड़ेगा। यह सबसे पहला तरीका है या पहला स्टेप है या पहला चरण है। दूसरा है विलगित डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटकर वांछित जीन को पृथक करना। आपने माना कि मनुष्य के शरीर में एक कोशिका है, उस कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने वाली विशेष प्रकार की जीन है, या यूं कहूं एक बैसिलस थ्रियोजिनेसिस पादप है, उस पादप के अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए में क्राई प्रोटीन का निर्माण करने वाली एक विशेष जीन है, ये वांछित जीन खंड वाले डीएनए। मनुष्य का डीएनए इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने वाला जीन उसका क्या होगा, वांछित जीन युक्त डीएनए खंड होगा। बैसिलस थ्रियोजिनेसिस जीवाणु का क्राई प्रोटीन संश्लेषित करने वाला जो जीन है वो एक वांछित जीन युक्त डीएनए खंड है। तो उस वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को प्राप्त करने के लिए आपको उस संपूर्ण सजीव कोशिका से पूरा डीएनए पृथक करना पड़ेगा। तो अर्थात आप जिस सजीव कोशिका से डीएनए पृथक कर रहे हैं उस डीएनए में ही वांछित जीन खंड उपस्थित रहेगा। तो वो सजीव कोशिका कोई जीवाणु हो सकता है, वो सजीव कोशिका कोई कवक हो सकता है, वो सजीव कोशिका कोई पादप हो सकता है, और वो सजीव कोशिका कोई जंतु की हो सकती है। उसमें से आपको वांछित जीन खंड वाले डीएनए को काट करके सबसे पहले अलग करना होगा। तो पहला काम वांछित जीन युक्त डीएनए खंड का विलगन। विलगन यानी वांछित जीन खंड युक्त डीएनए का विलगन हो गया, उस जंतु कोशिका या सजीव कोशिका से बाहर आ गया है। अब उसमें से आपको वांछित जीन खंड का खंड को काटना है। तो दूसरा जो अपना काम होगा पुनर्योजित डीएनए बनाने की चरण में जो स्टेप है, पद है, उसमें दूसरा काम है विलगित डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटकर वांछित जीन को पृथक करना। विलगित डीएनए, जो डीएनए आपने पृथक किया है जिसमें वांछित जीन खंड युक्त डीएनए है, उसमें से वांछित जीन वाला जो खंड है उसको काट करके और पृथक करना। इसके लिए आपको वही
आणविक आणविक कैंची या मॉलिकुलर सीजर या आपके रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया जाता है। तीसरा काम इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा काम होगा पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। एक विशेष प्रकार की तकनीकी है, एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जिसकी सहायता से आप किसी डीएनए खंड या वांछित जीन युक्त डीएनए खंड का क्लोनिंग कर सकते हैं, कॉपियां बना सकते हैं, आवर्धन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस सारी क्रिया को एक विशेष प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न करवाया जाता है। तो तीसरा जो अपना काम है, बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन तकनीकी द्वारा एक वांछित जीन युक्त डीएनए खंड का आवर्धन करना होगा, फोटोकॉपियां करनी होगी, क्लोनिंग करनी होगी, बहुत सारी मात्रा में ऐसा वांछित जीन वाला डीएनए बना करके प्रयोगशाला में तैयार करना होगा। उसके लिए जो तकनीकी काम आती है उसको आप कहते हैं पीसीआर टेक्निक। तो ये रिकॉम्बिनेट डीएनए निर्माण के विभिन्न चरण में जो तीसरा चरण है वो है अपना पीसीआर। अब चौथा चरण क्या है कि आपने पुनर्योजित डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन या स्थानांतरण करना है। आपने वांछित जीन खंड को बढ़ा लिया पीसीआर टेक्निक के द्वारा और किसी वाहक के साथ उस वांछित जीन को जोड़ दिया, जोड़ करके आपने पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कर लिया। अब पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कर लेने से अपनी सारी आवश्यकताएं या अपना जो टारगेट था, अपना जो मिशन था वो पूरा नहीं होता है। अपना मिशन है कि किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में वांछित परिवर्तन कर अर्थात पुनर्योजित डीएनए बनाकर और उस पुनर्योजित डीएनए को किसी सजीव कोशिका में भेजकर, किसी परपोषी होस्ट सेल में भेजकर उस परपोषी कोशिका का कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाकर और जो उस वांछित जीन से जैव रासायनिक पदार्थ या पुनर्योजित प्रोटीन या एक विशिष्ट प्रकार का बायोकेमिकल जैव रासायनिक पदार्थ बनने वाला है उसको अधिक मात्रा में प्राप्त करना है। तो उसके लिए आपको चौथा स्टेप क्या करना पड़ेगा, जो आपका पुनर्योजित डीएनए बना है उसको परपोषी कोशिका या होस्ट कोशिका में निवेशन या प्रवेश करवाना। अब इसके बाद पांचवा स्टेप है परपोषी कोशिका का संवर्धन माध्यम में व्यापक पैमाने पर, जिस परपोषी कोशिका में आपने पुनर्योजित डीएनए को प्रवेशित करवाया है उस परपोषी कोशिका को व्यापक पैमाने पर संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाकर और उस वांछित जीन खंड वाले डीएनए या पुनर्योजित डीएनए से बनने वाले जैव रासायनिक पदार्थ को अधिक मात्रा में प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको उस परपोषी कोशिका जिसमें आपने पुनर्योजित डीएनए को डाला है उसका संवर्धन माध्यम पर संवर्धन करवाना होगा। इसके लिए एक विशेष प्रकार का बायोरिएक्टर काम में लिया जाता है जिसको विलोडन होज का बायोरिएक्टर कहते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की उपकरणीय व्यवस्था होती है जिसमें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में औद्योगिक स्तर पर अर्थात 100 से हजारों लीटर तक संवर्धन माध्यम में बायो ट्रांसमिट या जैव रूपांतरित जो पदार्थ है या बायो ट्रांसमिट का मतलब है पुनर्योजित तकनीकी से जो डीएनए बना, पुनर्योजित डीएनए बना है उससे उत्पन्न होने वाले जैव रासायनिक पदार्थ औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। अब जो छठा स्टेप है अपना वो है वांछित उत्पाद का निष्क्रियण या अनुप्रवाह संसाधन। जो वांछित उत्पाद बना है उसको सीधा ही आप मनुष्य के उपयोगी कार्यों में या मानव उपयोगी कार्यों में या मेडिसिन के रूप में या किसी रोग के उपचार में सीधा उपयोग में नहीं ले सकते, उसका कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन करना होगा, उसका विशेष प्रकार का फॉर्मूला बनाना होगा, उसके बाद मानव पर प्रयोग करने से पहले विभिन्न प्रकार के स्तनधारी जीवों पर उसका क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा और ट्रायल करने के बाद उसके रिजल्ट जो है उनका रिकॉर्ड करना होगा और रिजल्टों को रिकॉर्ड करने के बाद उसको मानव उपयोगी कार्यों में प्रयोग में लेते हैं। तो ये था आपका रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक या पुनर्योजित डीएनए निर्माण में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के चरण, 6 स्टेप थे। अब इनमें से प्रत्येक स्टेप को मैं विस्तार से देखने वाला हूं या आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप है वांछित जीन युक्त डीएनए का विलगन। क्या करोगे आप, अब माना कि इस चरण में जिससे या जिस जीव से आपको वांछित, मैं कह रहा हूं एक जीव होगा और उस जीव के अंदर कोशिका है और उस कोशिका में डीएनए है, उस डीएनए को आपको प्राप्त करना है। अब मैं कहूं वो जीव पादप भी हो सकता है, वो जीव कोई जीवाणु भी हो सकता है, वो जीव कोई कवक भी हो सकता है, वो जीव कोई एनिमल या जंतु भी हो सकता है। तो पादप कोशिका
मैं कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जीवाणु कोशिका में भी लाइसोसोमल एंजाइमों से अपघटित होने वाली विशेष प्रकार की पॉलीसेकेराइड से निर्मित कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। कवकों में भी काइटिन से निर्मित विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। तो पादप जीवाणु और कवक में सजीव कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, उन कोशिका भित्ति को पहले हटाना पड़ेगा। किंतु जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, अर्थात उसमें एक स्टेप कम रहेगा जंतु कोशिका से किसी वांछित जीन वाले डीएनए को पृथक करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, पादप कोशिका है तो सेलुलेज एंजाइम से क्रिया करा दोगे। कौन से एंजाइम से? सेलुलोज से। और जीवाणु कोशिका है तो लाइसोजाइम एंजाइम से क्रिया करवा दोगे। और कवक कोशिका है तो आप काइटिनेज एंजाइम से क्रिया करवा दोगे। कौन से एंजाइम से? काइटिनेज से। ठीक बात है। और एनिमल कोशिका है तो इस प्रकार से किसी की क्रिया नहीं करवानी होगी। इस प्रकार से क्रिया करवाने के बाद इन सजीवों के बाहर उपस्थित कोशिका भित्ति हट जाती है। कोशिका भित्ति को हटाने के बाद कोशिका झिल्ली को हटाना है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। तो इसके बाद जो कोशिकाएं प्राप्त होती है इसकी क्रिया लाइपेज एंजाइम से करवाओ तो क्या होगा, वसा हट जाएगी। लाइपेज एंजाइम से करवाने के बाद जो भी बनता है, जो भी कोशिका शेष रहती है उसकी क्रिया प्रोटीएज एंजाइम से करवाओ तो प्रोटीन पूरा का पूरा खत्म। अब प्रोटीएज एंजाइम से करवाने के बाद इसकी क्रिया राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम से करवा दो, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, तो आरएनए पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। राइबोन्यूक्लिएज से करवाने के बाद स्ट्रोन और नॉन स्ट्रोन प्रोटीन है उनको अपघटित करने के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीएज एंजाइम और होते हैं, उनसे करवा दो तो शेष क्या रहेगा, केवल और केवल डीएनए रहेगा। और उस डीएनए में वांछित जीन भी उपस्थित है, उस वांछित जीन युक्त डीएनए का आप क्या कर लोगे, पृथक्करण कर लेंगे। ऐसा करने के बाद में भी अभी तक आप डीएनए तक पहुंच गए पर ऐसे इस प्रकार से जो डीएनए प्राप्त हुआ है इस डीएनए का आप द्रुत सीतत एथेनॉल C2H5OH से अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे ये जो डीएनए है अब विशेष प्रकार से स्कंदित हो जाता है, या यूं कहें अवक्षेपित हो जाता है। स्कंदन शब्द ज्यादा ठीक नहीं है, यूं कह दें कि जैसे ही इस प्रकार से जो डीएनए प्राप्त हुआ है इस डीएनए की अभिक्रिया आप द्रुत सीतित एथेनॉल के साथ करवाते हैं तो वो डीएनए क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और डीएनए का अवक्षेपण होने के बाद आप कहेंगे कि एक वांछित जीव से या वांछित सजीव कोशिका में उपस्थित एक वांछित जीन युक्त डीएनए को आपने पूरा का पूरा डीएनए है आपने पृथक कर लिया है, अर्थात पुनर्योगज डीएनए निर्माण का पहला काम आपने पूरा कर लिया। इस प्रकार से आपको ये एंजाइमों की क्रिया का जो सिक्वेंस है वो विशेष रूप से याद होने चाहिए, जिसमें आपको सेलुलोज हटाना है, पॉलीसेकेराइड भी हटाना है, काइटिनेज से हटाना है, जितनी भी फैट होगी उसको आप लाइपेज एंजाइम की सहायता से हटाएंगे, जितनी भी प्रोटीन होगी जो भी पीएम होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें फैट और प्रोटीन रहती है तो प्रोटीएज एंजाइम से हटा देंगे। उसके बाद क्या रहती है, आरएनए रहता है केंद्र के अंदर, और क्या रहेगा, आरएनए डीएनए और स्ट्रोन प्रोटीन। तो आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम से क्रिया कराते हैं, फिर स्ट्रोन और नॉन स्ट्रोन प्रोटीन को हटाने के लिए और प्रोटीएज एंजाइम से क्रिया कराते हैं तो शेष डीएनए रहेगा, उस डीएनए को द्रुत सीतित एथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं या द्रुत सीतित एथेनॉल उसके ऊपर डालते वो पूरा का पूरा एक विशेष प्रकार से अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार से अवक्षेपित हुए डीएनए के ऊपर अब आप दूसरा काम करेंगे, क्या काम करेंगे, उसका काम है विलगित डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटकर वांछित जीन का पृथक्करण। अब आपको पूरा का पूरा डीएनए काम में नहीं लेना है, पुनर्योगज डीएनए निर्मित करने के लिए आपको जो ये डीएनए विलगित हुआ है उस विलगित डीएनए में से किसी वांछित जीन खंड को काटकर अलग करना है। बहुत जटिल प्रक्रिया, आसानी से नहीं है, पढ़ना और बातें करना बहुत आसान है पर इस क्रिया को प्रयोगशाला में जब वैज्ञानिक करता है तो उसके हौसले फूल जाते हैं, इतनी मुश्किल क्रिया है। पर
आप कर भी क्या रहे हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन करने जा रहे हैं और एक रिकॉम्बिनेट या प्रोकैरियोट्स डीएनए बनाने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा तो करना ही होगा। तो ऐसा करने के लिए आप एक विशेष प्रकार की विधि काम में लेते हैं और उस विधि का काम नाम है जेल विद्युत कण संचलन विधि, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, विद्युत जेल विद्युत कण संचलन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो डीएनए विलगित हुआ है, अब आपको अकेले इस वांछित जीन वाले विलगित डीएनए की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ साथ आपको और किसकी आवश्यकता है, एक वाहक प्लाज्मिड की और आवश्यकता है, और वाहक प्लाज्मिड है क्लोनिंग संवाहक जो होता है, वेक्टर प्लाज्मिड जो होता है, जैसे BBR32 जो होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं रहती है वो सारी आपको लास्ट वीडियो में बताइए। तो मैं कहता हूं आप एक तरफ वाहक प्लाज्मिड लेते हैं और दूसरी तरफ एक वांछित जीन खंड वाला डीएनए लेते हैं, और इन दोनों डीएनओ को, दोनों प्रकार के डीएनओ को आप एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कटवा देते हैं, टुकड़े करवा देते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन दोनों डीएनओ को, कौन कौन सा डीएनए है, एक तरफ तो कौन सा डीएनए है, वांछित जीन खंड वाला डीएनए है बेटा, दूसरी तरफ कौन सा डीएनए है, क्लोनिंग संवाहक डीएनए है भैया, दूसरी तरफ कौन सा डीएनए है, क्लोनिंग संवाहक डीएनए है, क्योंकि इसमें से वांछित जीन युक्त डीएनए खंड है, वांछित जीन युक्त खंड वाला जो डीएनए है इसमें से वांछित जीन को काटना है, और इस क्लोनिंग संवाहक वाला जो डीएनए है इसमें से कुछ भाग को काटकर हटाना है और उसकी जगह इसको जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी अपना पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए बनेगा। ठीक बात है, तो इन दोनों डीएनए का एक ही प्रकार के रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से क्या कर देते हैं, क्रिया करवा देते हैं, और एक ही प्रकार का रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम दो विशेष प्रकार के डीएनओ को या दो अलग अलग डीएनओ को उनके पैलेंड्रोमिक स्थलों में समान नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में से काटता है। ये बात अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, किसमें, जब आपने रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ा तब, तो इनकी क्रिया एक ही प्रकार के रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करवाते हैं, और करवाने के बाद इस जो वांछित जीन खंड वाला डीएनए है इसको इस विधि के द्वारा जेल विद्युत कण संचलन विधि है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। क्या होता है, इसमें एक बड़ी पट्टी होती है, इस पट्टी के ऊपर एगारोज जेल या एगारोज जेल एक विशेष प्रकार के कवक से प्राप्त होने वाली जेल है, उस जेल को बिछा रखा होता है, और इस जेल के ऊपर आपने एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है। क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रोड, जिसमें एक तरफ धनायन है और दूसरी तरफ ऋणायन है। मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए के टुकड़े होते हैं रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने के बाद जो डीएनए के टुकड़े बनेंगे, वो डीएनए के टुकड़े कैसे होते हैं सदैव, ये ऋणावेशित होते हैं। याद रखना है आपको, डीएनए का टुकड़ा कैसा होगा भैया, ऋणावेशित टुकड़ा होगा। इस ऋणावेशित डीएनए का टुकड़ा इस तरफ, एक तरफ डीएनए के टुकड़े पड़े और इधर से धनावेश इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जिसको आप एनोड प्लॉट कहते हैं, जिसके अंदर आपने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर रखा, ये एनोड और ये कैथोड इस प्रकार से। अब इस तरफ से ये कटे हुए डीएनए के जो टुकड़े हैं इस पट्टिका के ऊपर से आप इन छिद्रों में से होकर के इधर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इधर धनावेशित पट्टिका बनती है और इधर ऋणावेशित रहते हैं, तो इस एगारो जेल के ऊपर कटे हुए जो डीएनए के टुकड़े हैं वो टुकड़े ऋणावेश से धनावेश की ओर भागना शुरू होते हैं। तो जो टुकड़ा जितना छोटा होगा वो धनावेश की ओर उतना ही अधिक दूरी तक जाएगा, जो टुकड़ा जितना छोटा होगा वो हल्का होगा, हल्का होने के कारण उसकी गति इस एगारो जेल के ऊपर एनोड की ओर सबसे अधिक होगी। तो अपनी लंबाइयों के आधार पर वांछित जीन खंड वाला जो डीएनए है, जिसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए हैं आपने बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो टुकड़े अब आपके इस एगारो जेल की पट्टिका पर अलग अलग स्थानों पर जाकर के और चिपक जाते हैं। इस प्रकार से चिपकने वाले इन स्वचालित या ऑटोमेटिकली व्यवस्थित होने वाले इन डीएनए के टुकड़ों को अब एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम है इथाइडियम
ब्रोमाइड, इथाइडियम ब्रोमाइड, से अभिरंजन करते हैं। क्या करते हैं भाई? अभिरंजित कर देते हैं। किससे? इथाइडियम ब्रोमाइड से। किसके ऊपर जमे हुए हैं? डीएनए के अलग अलग लंबाई के जो टुकड़े हैं वो एगरोस जेल के ऊपर जमे हुए हैं, और इन टुकड़ों के ऊपर इथाइडियम ब्रोमाइड नामक एक अभिरंजित पदार्थ डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर जैसे ही लाइट डालते हैं तो आप देखते हैं कि बैंगनी रंग के चमकीली पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों में उपस्थित विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की पहचान की जाती है, और एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान कर वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को यहां से काटकर, मान लिया आपने वांछित जीन युक्त डीएनए खंड ये काम का था, इसको काट करके अलग कर लेते हैं, और इसको काट करके जो अलग किया जाता है इन पट्टियों में से एगरोस जेल पर निष्कासित या जो अवक्षेपित डीएनए के टुकड़े हैं इनके ऊपर इथाइडियम ब्रोमाइड का अभिरंजित डालकर यूवी रे डालते हैं। अभिरंजित डाल करके और क्या डाला जाता है? यूवी रे डाली जाती है। जैसी पराबैंगनी किरणें इस इथाइडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए के टुकड़ों पर पड़ती है, एगरोस जेल पर व्यवस्थित डीएनए के टुकड़े जो इथाइडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित है इसके ऊपर जैसे यूवी रे पड़ती है तो ये नीले रंग की पट्टियां दिखाई देती है। किसे? आपको विशेष प्रकार की चमकीली ब्लू रंग, सॉरी नारंगी रंग की आपको पट्टियां, नारंगी रंग की आपको पट्टियां दिखाई देती है। इन पट्टियों में से आपकी जो वांछित जीन खंड वाला डीएनए है उसको काट करके अलग कर लिया जाता है, और इस क्रिया को क्षालन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि विद्युत कण संचलन की क्रिया में डीएनए का विलगन किया जा रहा है, वांछित जीन खंड वाले डीएनए का पृथक्करण किया जा रहा है। ऐसी ही क्रिया इस क्लोनिंग सहवाहक के रूप में या वेक्टर के रूप में या वाहक के रूप में काम आने वाले डीएनए के साथ भी उसी प्रकार के रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट करके एक विशिष्ट टुकड़े को काट कर अलग कर दिया जाता है, और बाकी वाला जो भाग है उसको आप वैक्टर के रूप में काम ले रहे हैं या काम लिया जाता है। अब ये दो काम हो गए हैं। पहला, आपने वांछित जीन खंड वाले डीएनए को एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से विलगित किया, पृथक्कृत किया है। पृथक करने के बाद इस डीएनए में उपस्थित वांछित जीन खंड को विद्युत कण संचलन विधि के द्वारा आपने अलग कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ क्षालन, लिंचिंग कहते हैं इसको। ये दो कार्य हो गए। अब आपका तीसरा कार्य देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है तीसरा भी, और वो तीसरा कार्य क्या है आप देख रहे हैं, पीसीआर तकनीकी द्वारा वांछित जीन खंड का प्रवर्धन। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर मैं लिख देता हूं, पॉलीमरेज चेन, रिएक्शन। क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक विशेष प्रकार की तकनीकी है, बता दूं मैं सिंपल सी, एक विशेष प्रकार की, पहले इसकी जनरल इंट्रोडक्शन यूं ही अपन बातों बातों में कर लेते हैं। एक विशेष प्रकार की तकनीकी है जिसकी सहायता से विशेष प्रकार के जीन खंड या डीएनए की एक विशेष खंड, या यूं कहें किसी सजीव कोशिका से प्राप्त होने वाले डीएनए, या यूं कहें किसी सजीवों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों या नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को आवर्धित करने में, फोटोकॉपियां बनाने में, उनकी मात्रा बढ़ाने में, अरबों कॉपियां तैयार करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है, या ये विधि काम में आती है। अब अगली बात यह है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तकनीकी की खोज 1985 में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। बड़ा मस्त आदमी था भैया, उसने ऐसी बात खोज ली जो अपराधियों के रोंगटे खड़े करने वाली। मैं इसमें सब बताऊंगा, तकनीकी होती क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट या टूल क्या है, इसके द्वारा किस किस स्टेप में किस प्रकार से किसी डीएनए खंड या डीएनए के विशिष्ट प्रकार के पार्ट या न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम का आवर्धन किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, गुणन किया जाता है, और अगला है कि इसकी उपयोग किस किस में, ये किस किस में काम आती है। ये सारी बातें एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर आप केवल उत्थान में देख सकते हैं, और इसी से आपका उत्थान होने वाला है। आप पढ़ रहे हैं 12th का मिशन मेरिट बेस, साथ ही साथ ये जो टॉपिक बता रहा हूं सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामों में अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको मैं केवल एक 12th लेवल तक ही लिमिट नहीं रख रहा हूं, ये टॉपिक आपको सब लेवल पे अपना प्रवर्धन, अपने ज्ञान को वर्धन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस क्रिया को संपन्न करवाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम काम आता है जिसका नाम है टैक डीएनए
पॉलीमरेज एंजाइम। अब इस टैग का मतलब है कि थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया से एक विशिष्ट प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। वो डीएनए पॉलीमरेज जो बाकी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्रत्येक सजीव कोशिका में विशिष्ट प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक में तीन तीन प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित रहता है। इन एंजाइमों का काम है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या डीएनए का गुणन, या डीएनए का अपनी प्रतिकृति, डीएनए की एक कॉपी से दूसरी कॉपी बना करके तैयार करना। यह काम किसका है? इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। तो एक विशेष प्रकार का थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो सल्फर के गर्म झरनों में पाया जाता है, जो 75 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर अपना सामान्य जीवन यापन करता है, और वहां काम करते हुए, वहां सामान्य जीवन यापन करते हुए, और उस जीवाणु में रिप्लिकेशन, या उस जीवाणु में उपस्थित डीएनए में गुणन, या उस जीवाणु में उपस्थित डीएनए में प्रतिकृतियन में सहायक होता है। तो कैरी मुलिस ने उस जीवाणु में पाए जाने वाले इस विशेष प्रकार के थर्मस एक्यूटिकस, यहाँ से टी आया है और यहाँ से ए क्यू आया है, नाम बन गया टैक डीएनए पॉलीमरेज, अर्थात डीएनए का प्रतिकृतियन में काम आता है, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको कैरी मुलिस ने 1985 में खोजा था। साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज अभिक्रिया भी खोजी थी। अब ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम या टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस बैक्टीरिया से खोजा गया, और इसके द्वारा किस प्रकार से, कैसे आप एक डीएनए के छोटे से टुकड़े या एक छोटी सी जीन या वांछित जीन खंड का प्रवर्धन करते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे, इन सारी बातों के लिए मैं आपको पीसीआर के स्टूल बता रहा हूँ। पहला, पॉलीमरेज चयन तकनीकी, जो पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया है या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, इसमें काम आने वाले जो साधन या उपकरण हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले डीएनए का एक ढांचा चाहिए आपको, सबसे पहले आपको डीएनए का एक ढांचा या डीएनए का एक टुकड़ा चाहिए आपको, डीएनए का एक टुकड़ा चाहिए जिसका क्या करना है आवर्धन करना है। अब देखिएगा, अपराधी अपराध करके चला जाता है फिर भी वो सबूत छोड़ के जाता है, जैसे कोई चोर आया और किसी घर में चोरी करके गया है और घर वाले को 10 लोगों पे शक होता है, बड़ी चोरी हो गई है, करोड़ों अरबों की चोरी हो गई है, और वो कहता है इन 10 में से कोई दूसरा चोर नहीं हो सकता है। अब वो 10 में से कोई भी एक व्यक्ति अपना हाँ करने के लिए तैयार नहीं है, तो जब कोई चोर चोरी करने के लिए आता है तो उसमें चोर अपने बाल के अवशेष को या कुछ न कुछ पीछे छोड़ के जाता है, या किसी रैप हो जाता है कहीं पर, और रैपिस्ट 10 लोग माने जाते हैं, तो उसमें से वास्तविक रैपिस्ट कौन सा है, वो रैपिस्ट के द्वारा वहाँ जो अवशेष छोड़ा जाएगा, उस अवशेष नाखून हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, सीमन हो सकते हैं, उस पसीना हो सकते हैं, उनमें उपस्थित उस अपराधी की कोशिका में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ को निकालकर उसका पीसीआर टेक्निक द्वारा मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है, और फिर उन व्यक्तियों का अब प्राकृतिक रूप से लिया गया जो सैंपल है उसके डीएनए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसके सीक्वेंस को मैच करते हैं। जिस व्यक्ति का सीक्वेंस मैच हो जाता है उसको अपराधी मान लिया जाता है, और अपराधी होता है उससे भगवान ही नहीं बचा सकता उसको अपराध घोषित करने में, क्योंकि वे हकीकत क्रिया है ये। तो देखिएगा, अब अगला ये है कि सबसे पहला जो पीसीआर के लिए जो टूल है उसमें सबसे पहला है कि इसका जिस अनुवांशिक पदार्थ या जिस डीएनए खंड या जिस वांछित जीन खंड का आपको आवर्धन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणन करना है, रिप्लिकेशन करना है, वो आपको पास उपस्थित होना चाहिए पहला। दूसरा क्या होना चाहिए? आपके पास एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड प्राइमर उपस्थित रहना चाहिए। ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर होते हैं वो 8 से या यूं कह दें 10 से 18 तक न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर बने होते हैं, 10 से 18 तक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के वांछित खंड वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये जब डीएनए पॉलीमरेज की क्रिया
या पीसीआर की क्रिया प्रारंभ होती है, तब उस विशिष्ट डीएनए खंड के ऊपर सबसे पहले अभिक्रिया प्रारंभन के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के 10 से 18 विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम आपके पास उपस्थित रहने चाहिए दूसरी बात में। और तीसरी जो चीज़ है वो आपके पास टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित रहना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा जो आपका टूल्स है वो है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब एक चौथी चीज और है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का निर्माण करने वाले विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, वो भी आपके पास उपस्थित रहने चाहिए। तो वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। साथ ही साथ Mg+2 आयन उपस्थित रहना चाहिए जो इनके स्थायित्व के लिए जरूरी होता है। ये चार चीजें यदि आपके पास हैं तो आप किसी विशिष्ट वांछित जीन खंड का आवर्धन, मल्टीप्लिकेशन, गुणन या प्रतिकृतियन करके उनकी करोड़ों कॉपियां तैयार कर सकते हैं। अब अगला है पीसीआर के स्टेप, डीएनए पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के पद क्या है। तो तीन पद होते हैं, सबसे पहला है विकृतीकरण डीनेचुरेशन, दूसरा पद है एनेलिंग और तीसरा पद है विस्तार एलोंगेशन। तो आपको जिस किसी टीएस डीएनए या वांछित जीन खंड वाले डीएनए या किसी अपराधी की कोशिका से प्राप्त एक विशिष्ट प्रकार का डीएस डीएनए है जिसका आपको आवर्धन करना है, जिसका आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, उस डीएनए को सबसे पहले 90 से एबो यानी लगभग 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं विशिष्ट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और इतने ताप पर जब ये हीट होता है तो इसका विकृतीकरण होता है और इस विकृतीकरण की क्रिया में उस डीएस डीएनए के बीच या दोनों डीएस डीएनए यानी दोहरे रजुक डीएनए के दोनों प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है उन श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और दोनों जो रज्जु है डीएनए के वो अलग अलग हो जाते हैं। ये पहला कार्य, यहाँ पर सारे टूल्स उपस्थित है, ये डीएनए प्राइमर है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये जो उपस्थित है ये न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए प्राइमर, ये डीएनए प्राइमर है, ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम है। तो इस प्रकार के घटक उपस्थित है, तो सबसे पहले आपने जो डीएनए था उसका डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कर दिया है और ऐसा करने के लिए आपको उस डीएनए को 94 से एबो या 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करना होगा विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, जिससे उसके दोनों रज्जु या स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। अगला काम है वो है एनेलिंग। एनेलिंग को आप यूं कह सकते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की टेम्पलेट ढांचे के रूप में काम आने वाले इन दोनों डीएनए के जो स्टैंड है, इन स्टैंडों पर डीएनए प्राइमर की सहायता से विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आकर के इन प्रकार के ये जो 10 से 18 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड थे ना, ये इस डीएनए प्राइमर को अपने साथ लेकर के और यहाँ आके जुड़ना शुरू होते हैं। तो आप कहते हैं ये जो जुड़ने की क्रिया है वो सदैव 3-2-5 दिशा में चलती। इधर भी आप देख रहे हैं डीएनए प्राइमर सबसे पहले कहाँ जुड़ रहे हैं, 3- दिशा में जुड़ रहे हैं, और इधर भी आप देख रहे हैं डीएनए प्राइमर कहाँ जुड़ रहे हैं, 3- दिशा में जुड़ते हैं। अर्थात जो एनेलिंग की क्रिया है उस क्रिया में विकृतीकरण के बाद एक विशिष्ट प्रकार के लगभग 68 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एट द प्रेजेंस ऑफ टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दोनों विकृतीकृत डीएनए जो रज्जु प्राप्त हुए हैं, डीएनए के जो सूत्र प्राप्त हुए हैं उन सूत्रों पर 3- दिशा से 5- दिशा में डीएनए प्राइमर के रूप में जुड़ते हुए न्यूक्लियोटाइडों के विशिष्ट अनुक्रम जुड़ना शुरू होते हैं और इस प्रकार के डीएनए का मल्टीप्लिकेशन या आवर्धन प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभन होने के बाद अगला जो काम है वो है इलोंगेशन या दीर्घीकरण या विस्तरण, या यूं कहें विस्तार। किसका विस्तार करना चाह रहे हैं अब आप विस्तार करना चाह रहे हैं, यहां से जो इस डीएनए के जैसा और नया डीएनए बनने वाला था, इस डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के जैसे और नाइट्रोजन क्षारक जुड़ने वाले थे, तो आप कह रहे हैं ऐसा करने के लिए आपके पास सभी प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडेज के साथ साथ विशिष्ट प्रकार का मैग्नीशियम आयन भी उपस्थित रहना चाहिए। इस आयन की उपस्थिति में ये विशिष्ट प्रकार के
ये 3-5 दिशा में विशिष्ट प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हैं, और यहाँ भी 3- दिशा से 5- दिशा में विशिष्ट प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हैं, और टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार के जो डीएनए खंड था उस डीएनए खंड के प्रति समांतर एक विशेष उसके जैसा ही नया डीएनए सूत्र बन करके तैयार हो जाता है, और जो नया डीएनए सूत्र बना है वो बन करके पृथक हो जाता है, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पृथक हो जाता है। इसी क्रिया को बार बार दोहराकर रिपीट करवा करके एक ही डीएनए खंड के हजारों करोड़ों अरबों प्रतियां बहुत कम समय में प्राप्त कर ली जाती है, और ऐसी कॉपियां प्राप्त करने के बाद अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई है, सॉरी जो आपने पीसीआर ली है, इस पीसीआर टेक्निक का क्या क्या उपयोग है, आपके जीवन में ये क्या क्या उपयोग में आती है, तो सबसे पहला काम है किसी भी वांछित जीन युक्त डीएनए खंड का आवर्धन, मल्टीप्लिकेशन, गुणन या अनेकों अनेक प्रतियां बनाने में ये काम में आती है। दूसरा क्या है, जीनोम के डीएनए की बहुरूपता से अध्ययन करना। आप किसी जीव है उस जीव के जीनोम अर्थात जीव के सजीव कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुण सूत्रों का अगुणित समुच्चय उसका जीनोम कहलाता है, और उस जीनोम में जो डीएनए उपस्थित है उस डीएनए का आपको बहुरूपता से अध्ययन करना है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, मानव जीनोम प्रोजेक्ट चला, उसमें मानव कोशिका में उपस्थित समस्त डीएनए का आपको क्या करना था, अध्ययन करना था, बहुरूपता से उसको देखना था, तो पहले उसकी बहुत सारी कॉपियां बना के तैयार कर ली। ऐसे थोड़ी कि डीएनए चाहिए मानव से लाओ पकड़ो कोशिका निकालो निकालो उसमें से डीएनए, बार बार ऐसा नहीं होता। जो एक मनुष्य था या कोई दो प्रकार के मनुष्य थे उनके डीएनए को लिया और उनमें उपस्थित जीनोमों का जो सिक्वेंस है उसको पता करने के लिए ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के रूप में एक विशेष प्रकार की परियोजना को शुरू किया गया। उसमें भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीनोम अर्थात जीनोम का बहुलीकरण करने के लिए इसी विधि या इसी टेक्निक को उपयोग में लिया जाता है। और अगला जो इसका कार्य है वो है फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु किसी विशिष्ट जीन खंड को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसी पीसीआर टेक्निक को उपयोग में लिया जाता है। आप 6th चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, उसमें इस पीसीआर टेक्निक को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो आज आप यहां पर पढ़ रहे थे पुनर्योगज डीएनए, और पुनर्योगज डीएनए में एक वांछित जीन खंड का मल्टीप्लिकेशन करना था, गुणन करना था, आवर्धन करना था, इसके लिए आपने इन 3 स्टेप में संपन्न होने वाली इस पीसीआर टेक्निक को विस्तार से समझा है। अगला इसका जो स्टेप है पुनर्योगज डीएनए का वो है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन। अब वांछित जीन खंड का आपने क्या कर लिया, आवर्धन कर लिया, आवर्धन करिया है, किया है, उसमें से एक वांछित जीन खंड को उठाएंगे और उठा करके आप उस परपोषी कोशिका उठा करके आप उस वाहक जीनोम या प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे एट द प्रेजेंसी ऑफ डीएनए लाइगेज, एट द प्रेजेंसी ऑफ डीएनए लाइगेज। ये स्टेप उसके अंदर शामिल नहीं किया है पर अपने को पहला करना पड़ेगा, करेंगे तभी तो पुनर्योगज डीएनए पूरा बनेगा। और इस प्रकार से जो पुनर्योगज डीएनए बना है उस डीएनए को अब अपने को क्या करना है, जो अपना पुनर्योगज डीएनए बना है उस डीएनए को अब अपने को परपोषी कोशिका में क्या करना है, निवेशित करवाना है। अपन जानते हैं कि पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए एक तो वांछित जीन, ये वांछित जीन प्लस ये क्लोनिंग सवाक दोनों को जोड़ देते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, क्या बन जाता है, पुनर्योगज डीएनए बन जाता है। अब इस डीएनए को आपको क्या करना है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन करना है। जब तक आपने जो पुनर्योगज डीएनए बनाया है उस पुनर्योगज डीएनए को आप परपोषी कोशिका में नहीं भेज देंगे तब तक आप परपोषी कोशिका का गुणन नहीं कर पाएंगे, और परपोषी कोशिका का गुणन नहीं होगा तो अपने पुनर्योगज डीएनए से उत्पन्न होने वाला पुनर्योगज उत्पाद, पुनर्योगज प्रोटीन, पुनर्योगज जैव रासायनिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपना जो चौथा स्टेप है वो पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन। तो इसके लिए मैं पहले से ही बता चुका हूं कि पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशित करने के लिए सबसे पहले परपोषी कोशिका को बर्फ के अंदर इंस्टॉल करते हैं। बर्फ के अंदर परपोषी कोशिका को इंस्टॉल करने के बाद सूक्ष्म अंतक्षेपण और जीनगन विधि के द्वारा आप पुनर्योगज डीएनए को उस परपोषी कोशिका के केंद्रक में या परपोषी कोशिका के कोशिका द्रव में छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद आपने छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद आपको पुनर्योगज डीएनए युक्त माना कि आपको पुनर्योगज डीएनए जो था उसको आपने ई कोलाई जीवाणु में प्रवेशित करवाया। परपोषी जीव कौन सा था, परपोषी कोशिका कौन सी थी आपकी,
माना कि इचिरेशियन कोलाई या ई कोलाई जीवाणु था, तो इस ई कोलाई जीवाणु में प्रवेशित कराने के बाद ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाते हैं। अब ई कोलाई जीवाणु, कौन से ई कोलाई जीवाणु में पुनर्योगज डीएनए घुस गया है और कौन से ई कोलाई जीवाणु में पुनर्योगज डीएनए नहीं घुसा है, इसका पता करने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो पुनर्योगज डीएनए जिस ई कोलाई जीवाणु में घुसा है, जिस ई कोलाई जीवाणु में पुनर्योगज डीएनए घुसा है, उस ई कोलाई जीवाणु को ये दो अलग अलग माध्यमों में आप संवर्धन करवाते हैं। एक माध्यम है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति है और दूसरे में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं है, एक में उपस्थित है और दूसरे में नहीं है। अब बात यह है कि जो आपने वाहक प्लाज्मिड लिया था, इस वाहक प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला जीन उपस्थित था, तो जीन उपस्थित था किसमें, इस क्लोनिंग सहवाहक में, तो जिस डीएनए का या जिस ई कोलाई में पुनर्योगज डीएनए घुस गया है उस ई कोलाई में इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि के विरुद्ध क्या आ गया है, प्रतिजैविक क्षमता आ गई है, प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो गई है। और जिस ई कोलाई में आपने ये पुनर्योगज डीएनए नहीं डाला है वो एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न नहीं करेगा, अर्थात जो जीवाणु एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के, जो ई कोलाई जीवाणु इस एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध भी गुणन आसानी से कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे, रूपांतरज कहेंगे। और जो जीवाणु, जो ई कोलाई जीवाणु इस एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखेगा वो अरूपांतरज होगा। क्या होगा, अरूपांतरज होगा, अर्थात उसका रूपांतरण नहीं हुआ है। तो जिसका रूपांतरज हो गया है वो एम्पिसिलिन की उपस्थिति में भी आराम से गुणन कर रहा है, अब उसको आप क्या करेंगे, परपोषी कोशिका में प्रवेश कर दिया। अब उस परपोषी कोशिका को, कैसी परपोषी कोशिका, जो इस एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की उपस्थिति में इस औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता रखते हुए अपना गुणन वृद्धि और विकास कर रही थी, उस कोशिकाओं को छांट करके और आप इसका व्यापक पैमाने पर क्या करते हैं, संवर्धन। कौन सी कोशिका को, उस परपोषी कोशिका को जो एम्पिसिलिन की उपस्थिति में भी गुणन वृद्धि और विकास कर रही थी, उस कोशिका का आप परपोषी कोशिका का या ई कोलाई जीवाणु का जो रूपांतरज हो गई है, अर्थात उसमें एक विशेष प्रकार की वांछित जीन खंड वाला जीनोम उपस्थित है या पुनर्योगज डीएनए उपस्थित है, उस कोशिका को अब आप व्यापक पैमाने पर संवर्धन करवाएंगे। तो ऐसा है नहीं कि अपने को तो जो भी वांछित जीन था, उस जीन से उत्पन्न होने वाला जो भी जैव रासायनिक पदार्थ था उसको औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न करना, क्योंकि एक व्यक्ति में तो काम आने वाला है नहीं। जैसे आपको माना कि इंसुलिन उत्पन्न करना था, तो इंसुलिन वाली जीन जो थी उसको आपने एक क्लोनिंग सहवाहक के रूप में माना कि PBR322 काम में लिया और उस क्लोनिंग सहवाहक से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हुआ, उस पुनर्योगज डीएनए को आपने ईकोलाई जीवाणु में भेज दिया और उस ईकोलाई जीवाणु को आपने हजारों लीटर माध्यम में संवर्धित किया, अत्यधिक मात्रा में संवर्धित करवा करके और हजारों लीटर की मात्रा में हुमुलिन या इंसुलिन को प्राप्त किया। ऐसा आप करोगे तभी तो उस जैव रासायनिक पदार्थ की उत्पत्ति संपूर्ण मानव जीवन के लिए पूरी हो पाएगी। और यदि अपन ऐसा नहीं करते हैं तो इस पुनर्योगज उत्पाद से प्राप्त होने वाले विशेष प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ की आपूर्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए नहीं की जा सकती। तो ऐसा करने के लिए आप व्यापक पैमाने पर उस परपोषी कोशिका, कौन सी परपोषी कोशिका, जिसमें आपने पुनर्योगज डीएनए डाल दिया है, उसका व्यापक पैमाने पर संवर्धन करवाते हैं। और ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट काम में आता है और वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको आप जैव रिएक्टर कहते हैं। उस व्यापक पैमाने पर उसका संवर्धन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है, उस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, जैव रिएक्टर या बायो रिएक्टर कहते हैं।
तो सबसे पहले ये बायो रिएक्टर या जैव रिएक्टर होता क्या है, और इस जैव रिएक्टर की उपकरणीय व्यवस्था क्या है, और जैव रिएक्टर में कितनी मात्रा में किस प्रकार से आप किसी परपोषी कोशिका को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हुए किस प्रकार से जैव रासायनिक पदार्थ या पुनर्योगज रासायनिक पदार्थ को प्राप्त कर पाते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये पढ़ दें कि जितने भी बायो रिएक्टर कई प्रकार के हैं, जैव रिएक्टर कई प्रकार के हैं, उनमें से सबसे उपयुक्त और अच्छा जो रहे जैव रिएक्टर है उसको कहते हैं विलोडन होज का बायो रिएक्टर। क्या नाम है? विलोडन तो उसकी प्रवृत्ति है और होज उसके खोजकर्ता का नाम है, और बायो मतलब जैव अणुओं को निर्मित करता है, रिएक्टर मतलब उत्पन्न करने वाला साधन है। अब होता क्या है, तो ये एक बेलनाकार आकार का जो आपको दिख रहा है, ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये एक बेलनाकार आकार का घुमावदार आधार युक्त उपकरण है। नीचे का आधार है वो भी घुमा हुआ, ऊपर का जो बेस है वो भी, नीचे का आधार है वो भी घुमा हुआ, ऊपर की जो सरफेस है वो भी घुमी हुई है। व्यवस्था होती है अर्थात इसे संवर्धन माध्यम की उपस्थिति में, अर्थात इसमें संवर्धन माध्यम की उपस्थिति में विशेष प्रकार की आवश्यक सामग्रियों को मिश्रित करते हुए इस परपोषी कोशिकाओं को औद्योगिक स्तर पर संवर्धित करके अत्यधिक मात्रा में विशेष प्रकार का जैव रूपांतरित रासायनिक पदार्थ या पुनर्योगज रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। अब इसमें उपकरणीय व्यवस्था के रूप में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें पीएच कंट्रोल मीटर लगा होता है, पीएच नियंत्रक, पीएच नियंत्रक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, और क्या होता है इसमें प्रक्षोपक होता है, प्रक्षोपक यंत्र ये है ना, वो इसका प्रक्षोपक यंत्र है जो इसको घुमाने में, इसके अंदर यहां प्लेटें लगी होती है और ये विलोडन का कार्य करता है। अंदर जो भी संवर्धन माध्यम भरा हुआ, बड़ी टंकी है, हजारों लीटर की टंकी होती है, 100 से 1000 लीटर की टंकी है यूं समझ लो। इसके अंदर ऊपर से ये मोटर लगी होती है और इस मोटर से यहां प्लेटें लगी हुई, ब्लेंडेड प्लेटें होती है, उस प्लेटों के साथ इस पूरे संवर्धन माध्यम को घुमाया जाता है, जिससे कि हर जगह पर उपस्थित सूक्ष्म जीव है उसको नया संवर्धन माध्यम मिलता रहे, उस संवर्धन माध्यम में पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहे, नहीं तो ये नहीं घूमेगा, तो जहाँ सूक्ष्म जीव रहेंगे वो अपने आसपास संवर्धन माध्यम को खा जाएंगे और वहाँ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाएंगे जिससे सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और आपको जैव रासायनिक पदार्थ जो है पुनर्योगज रासायनिक पदार्थ है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति नहीं होगा। तो यह घुमावदार पट्टियों वाला एक विक्षोभिक यंत्र उपस्थित रहता है जो इसमें विलोडन का कार्य करता है या विलोणोकरण को काम करे है। और अगला है ताप नियंत्रित, यानी ताप नियंत्रक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उपकरण लगा होता है। अब झाग नियंत्रक अर्थात ये जब घूमता है तो ऊपर फॉर्म आ जाता है, फॉर्म ब्रोकर, फॉर्म या झाग नियंत्रक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। अब स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, यहां से बाहर से इसके भाप डालने के लिए, भाप को भेज करके और इसके अंदर कोई दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं रहे, एक विशिष्ट प्रकार का सूक्ष्म जीव जिसको आपने क्या कर दिया है, पुनर्योगिज कर दिया है, जिसमें पुनर्योगज डीएनए उपस्थित है वो परपोषी कोशिका यहां रहे, दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं रहते हैं या नहीं रहे, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ इसमें अंदर की जो सतह है, अंदर का जो एरिया है, उस सरफेस एरिया में ऑक्सीजन सब जगह पे फैले, ऑक्सीजन सब जगह पे जाए, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना गुणन वृद्धि या विकास करते हैं, तो इस पूरे संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन पूरी तरह या सब जगह वितरित हो पर्याप्त मात्रा में। उस ऑक्सीजन को वितरित करने के लिए आंतरिक संरचना इस प्रकार से मॉडिफाइड या डिजाइन की जाती है कि ऑक्सीजन की मात्रा हर जगह हर पर्याप्त स्थान पर रहे। इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद एक विशेष प्रकार का एक होज नामक वैज्ञानिक ने विलोडन सिस्टम पर आधारित एक बायो रिएक्टर नामक उपकरण को तैयार किया, जिसमें परपोषी सूक्ष्म जीव या यूं कहें पुनर्योगज डीएनए युक्त परपोषी कोशिका का संवर्धन माध्यम में प्रयोगशाला में औद्योगिक स्तर पर संवर्धन करवाकर जैव रासायनिक पदार्थ का प्राप्ता या प्राप्तन या उत्पत्ति की जाती है। अब इसका प्राप्ति या उत्पत्ति करने के बाद अगले जो भी आपको वांछित उत्पाद प्राप्त हुआ है वो परपोषी कोशिका के संवर्धन से प्राप्त हुआ है। अब परपोषी कोशिका से के संवर्धन से
जो संवर्धन माध्यम है, जैव रासायनिक उत्पाद आपको संश्लेषित हुआ है, उस वांछित उत्पाद का अब आपको क्या करना है, निष्क्रियण करना है। निष्क्रियण का मतलब होता है अनुप्रवाह संसाधन। अब अनुप्रवाह संसाधन का क्या मतलब है, किस प्रकार से करते हैं, तो जो भी जैव रासायनिक पदार्थ प्राप्त हुआ है उस जैव रासायनिक पदार्थ को आपको क्या करना है, मनुष्य के जैविक कार्यों के लिए उपयोग में लेना है, मनुष्य में विशिष्ट प्रकार के रोगों के उपचार के लिए काम में लेना है, मनुष्य में खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेना है। तो ऐसा करने के लिए उस जैव रासायनिक पदार्थ जो प्राप्त हुआ है उसका आपको विशिष्ट प्रकार से पृथक्करण करना पड़ेगा या सेपरेशन करना होगा, साथ ही साथ उसका शुद्धिकरण भी करना होगा। उसमें अशुद्धियों के रूप में भी कई चीजें उपस्थित रहेगी, उसका आपको क्या होगा, शुद्धिकरण भी करना होगा, अर्थात प्यूरीफिकेशन भी करना होगा। साथ ही साथ ये जो पदार्थ प्राप्त हुए हैं उसका विशिष्ट प्रकार से फॉर्मुलेशन, या यूं कहें कि एक विशिष्ट प्रकार का फॉर्मूला बनाना होगा। क्या करना होगा, फॉर्मुलेशन करना होगा। फॉर्मुलेशन करने के साथ साथ उसका फॉर्मूला बना करके मानव उपयोगी क्रियाओं में यूज लेने से पहले, उपयोग लेने से पहले विशिष्ट प्रकार के स्तनधारी जीवों पर उसका क्लिनिकल ट्रायल भी करना होगा। क्या करना होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स भी करना होगा, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा। क्लिनिकल ट्रायल से गुजरने के बाद उसकी गुणवत्ता, वांछित उत्पाद की, ये सारा काम करने के बाद वांछित उत्पाद की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट करना होगा। वांछित उत्पाद की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट करने के बाद विशेष प्रकार के परिरक्षकों, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं हो, विशेष प्रकार के परिरक्षकों या यूं कहें प्रिजर्वेटिव, विशेष प्रकार के परिरक्षकों या प्रिजर्वेटिव की सहायता से इस वांछित पुनर्योगज उत्पाद, परिरक्षकों की सहायता से वांछित पुनर्योगज उत्पाद को सरूपित करते हुए उसकी संरचना में सरूपण या सरूपित करते हुए ऐसा परिवर्तन करें जिससे उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो और मानव उपयोगी कार्यों में अधिक से अधिक उपयोग में आते हुए मानव में विशिष्ट प्रकार के रोग या विषमता या पोषक तत्वों के रूप में रोग के उपचार या विशिष्ट प्रकार की संक्रामक अवस्था को खत्म करने में या विशिष्ट प्रकार की वैक्सीनेशन के रूप में, जिससे टीकाकरण के द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, या यूं कहें कि एक रोगों को खत्म करने के लिए इसका आसानी से अधिक मात्रा में और बहुत ही उपयुक्त तरीके से उपयोग किया जा सके, इसी क्रिया को संपूर्ण रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड जो प्रक्रम है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम जो है वो पूरे हो जाते हैं। और इस चैप्टर से आपको मिशन मैरिट 12th में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 वीडियो आपको मिलेंगे इस चैप्टर के, 3 वीडियो से आपको 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 3 घंटे वीडियो सुनते ही आपको 4 नंबर के प्रश्न 100% मिलेंगे। इस टॉपिक से प्रश्न कौन सा आएगा इस बारे में आपको विशिष्ट वीडियो बायोटेक्नोलॉजी से आने वाले सारे प्रश्नों को एक साथ बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, आप सबका दिन शुभ रहे और आप सब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ही थैंक यू सो मच।